jainworld.com 25 years of service to Jainism. जीवम जीवम दवम जिनवर वसहे न जैन निदिठम देविंद वंद वंदम तम वंदे संवदाशिरस। जीव और अजीव द्रव्य को जिन्होंने हमें समझाया, उसके महत्व को समझाया और उसको गहराइयों से जानने का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है ये हमें दिखाया, ऐसे तीर्थंकर ऋषभनाथ को हमारा सर झुकाकर नमस्कार। तो षट द्रव्य की बातें, पंचास्तिकाय की बातें हम कर रहे हैं और दो लेक्चरों में हमने थोड़ी सी कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक बातें हमने जानने की कोशिश की है। वैसे तो षट द्रव्य का जो डिस्कशन है कई कई लेक्चरों में चलता है, 40, 50, 60, बट वी आर ट्राइंग टू कवर इन 3 लेक्चर्स। तो आज हम पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि दो लेक्चर में क्या हमने देखा और थोड़ा अलग ढंग से उसको हम जानने की कोशिश करते तो थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी हमारी आ जाएगी। तो एक कपल था, वो जा रहे थे शॉपिंग पे, चले गए और बीबी ने कहा पति से, देखो किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, नहीं तो हमेशा तुम किसी से भी आर्ग्यूमेंट कर लेते हो, अनजान आदमी से भी आर्ग्यूमेंट कर लेते हो और फिर झंझट खड़ी हो जाती है। मैं थोड़ा सा उधर ये डिपार्टमेंट में जाके थोड़ा देख के आ जाती हूँ। और तो बीबी चली गई कुछ देखने के लिए उस डिपार्टमेंट में और ये आदमी वहाँ पे खड़ा है। तो एक अचानक दूसरा आदमी आ गया और जैसे कि उसकी आदत थी वो उससे उलझ पड़ा, उससे आर्ग्यूमेंट में चला गया और तू मैं हो गई और इन शॉर्ट उसने उससे पंगा ले लिया। तो उस आदमी ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो, 24 घंटे के अंदर तुम माफ़ी मांग लो नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। तो इसने कहा कि अरे जा तेरे जैसे तो बहुत देखे, रोज आते हैं जाते हैं, माफ़ी वाफ़ी मैं कुछ नहीं मांगूँगा। और वो आदमी चला गया, वो उसकी बीवी आ गई, उसने देखा कि कुछ आर्ग्यूमेंट तो हो गई है यहाँ पे। तो वो चले गए उस दिन, शाम को किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी थी तो हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड का नाम समझ लेते हैं ठंठन पाल, तो ठंठन पाल और उसकी मिसेस पहुँच गई वहाँ पे और बाय मिसफॉर्चून वहाँ पे आग लग गई। तो सब लोग भाग रहे और यह ठंठन पाल बैठा है वहीं पे। तो सब बाहर आ गए, वहाँ से चिल्ला रहे, उसकी बीबी भी चिल्ला रही, अरे निकलो निकलो तुम तो वहीं बैठे हो जल जाओगे। तो फिर भी वो कुछ नहीं, तो उसकी मिसेस ने फ़ोन लगाया उसको, तो बोले चलो भागो। तो बोले अरे नहीं, मैं तो निकलने की कोशिश कर रहा हूँ मगर पैरों में कोई गति नहीं आती है। तो अब भी मुझे याद आ गया कि कल जिस आदमी से मेरा झगड़ा हो गया था उस आदमी ने कहा था उसका नाम अधर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है। तो अभी मुझे याद आ गया कि क्यों मेरे पैर नहीं चलते हैं, तो तुम ऐसे करो उसको फ़ोन करो, थोड़ा मेरी तरफ से माफ़ी मांग लो। तो उसके मिसेस ने फ़ोन किया धर्म द्रव्य को, बोले अरे भाई साहब मैं ठंठन पाल की मिसेस बात कर रही हूँ और कल मेरे हस्बैंड ने आपसे पंगा ले लिया, तो एक काम करो वो जल रहा है उधर झटक से, आप मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ मगर आप उसको चलने में थोड़ी मदद कर दे। तो धर्मद्रव्य बोला कि ठीक है भाभी जी आप कहती हो, तो नहीं तो इस आदमी को तो माफ़ करना बहुत मुश्किल है।
तो बोली अरे भाई साहब आप तो 2 मिनट उसके साथ रहे तो इतने नाराज़ हो गए, मुझे तो सारी ज़िंदगी इसके साथ काटनी पड़ रही है, तो मेरी हालत देखो क्या है, तो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए और उसको बचा लीजिए। तो फिर धर्मद्रव्य ने उसको माफ़ कर दिया, तो फिर वो वहाँ से निकल कर चल सका। तो धर्मद्रव्य का जो काम है, जो गति है, जिसको भी गति करनी है, उसमें धर्मद्रव्य के बिना कोई गति हो नहीं सकती। ऐसे नहीं कि धर्मद्रव्य हमको ताकत देता है चलने की, या धर्मद्रव्य कुछ शक्ति वगैरह देता है, ऐसे कुछ नहीं। मगर धर्मद्रव्य जो है वो निमित्त मात्र, मगर जब तक वो निमित्त मात्र नहीं बनता कोई गति हो नहीं सकती। तो क्रियाशील कितने 2 द्रव्य है, एक तो जीव द्रव्य क्रियाशील है और अजीव में पुद्गल जो है वो क्रियाशील है। तो जीव और पुद्गल दोनों को यदि गति करनी है तो धर्म द्रव्य की ब्लेसिंग्स बिल्कुल ज़रूरी है, उसकी ब्लेसिंग्स नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो जैसे ब्लेसिंग देता है तो कोई आपको, तो कुछ पैसे देता नहीं, कुछ देता नहीं, एक आशीर्वाद दे देता है कि भाई तेरा भला हो। तो इसी प्रकार धर्म द्रव्य जो है वो केवल निमित्त मात्र है, मगर उसके बगैर कोई गति हमें मिल नहीं सकती। तो चलिए कैसे जैसे ये बच गया आदमी ठनठन पाल, और फिर वो वहाँ से घर चला गया और बीबी बोली कि कल हमारे घर पार्टी है तो मैं कुछ उसके लिए सामान लेके आ जाती हूँ, तुम घर चले जाओ। तो बीबी अपने सहेली के साथ चली गई और ये आदमी अब घर आ रहा है और फिर किसी और से उलझ पड़ गया, फिर किसी और से तू मैं हो गई। अभी अभी उसने कसम खाई थी बीबी के सामने कि अरे नहीं किसी से पंगा नहीं लूँगा, और कसम भूल गया आधे घंटे में, और फिर दूसरे आदमी से पंगा ले लिया। तो आदमी जो दिखा तो उसने कहा कि अरे तुम तो धर्मद्रव्य हो, कल तो मैंने तुमसे पंगा लिया था फिर आज मिल गए। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं धर्मद्रव्य नहीं, मैं अधर्मद्रव्य हूँ, धर्मद्रव्य का जुड़वा भाई अधर्मद्रव्य हूँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं क्योंकि हम जुड़वा है। तो ऐसे ही फिर बात चल रही और फिर अधर्मद्रव्य से पंगा ले लिया उसने, अधर्म द्रव्य से पंगा ले लिया तो वही बात रिपीट हो गई। उसने कहा कि भाई साहब माफ़ी मांगो नहीं तो आपकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसने बस वैसे सेम डायलॉग रिपीट किया कि अरे क्या तेरे जैसे तो बहुत देखे, कुछ नहीं होता जा तू। तो नेक्स्ट डे जो पार्टी चल रही है उनके यहाँ बहुत सारे मेहमान आ गए, एक मेहमान थोड़े लेट आने वाले थे। तो बीबी ने कहा कि आप थोड़ा जाके गेट बंद कर दीजिए, आवारा कुत्ते वगैरह अंदर आ जाएंगे और ये थोड़े से लेट आने वाले हैं। तो निकला आदमी, गेट के पास आया, नहीं रुक सका और गेट से बाहर चला गया और रास्ते पे चल रहा है नहीं रुक रहा है। तो जो लेट आने वाला मेहमान था वो आ रहा था, उसने देखा अरे ये किधर जा रहा है, इसके घर पार्टी। तो उसने सोचा चलो शक्कर वक्कर कुछ ख़त्म हो गई होगी, कुछ आइटम एक आधा ख़त्म हो जाता है, उसे लाने के लिए चला होगा। तो आदमी आ गया घर में, लास्ट मेहमान, भाभी जी से कहा नमस्ते, और भाभी जी ने आवाज़ दी ठनठन पाल को। तो आदमी कहते अरे वो तो मैं देख रहा था रास्ते पे जा रहा है। तो बीबी बोली रास्ते पे जा रहा है, उसने फ़ोन लगाया उसको, बोले क्या बात है आपको गेट बंद करने के लिए भेजा, आप कहाँ चले रहे। तो बोले अरे भगवान क्या बोलो, वही बात रिपीट हो गई, कल एक आदमी से पंगा लिया और जिसका नाम अधर्म द्रव्य है, तो अब मैं रुक नहीं सकता हूँ, चल रहा हूँ, रुकने का नाम नहीं ले सकता। तो तुम परसों के जैसा ही आज इसको फ़ोन करो अधर्म द्रव्य को, बोलो सॉरी कुछ मदद करें। तो फिर उसने फ़ोन किया, सॉरी वॉरी हो गया जब वो आदमी रुक सका। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों जुड़वा भाई जो है हमें चलने में या रुकने में, तो जो गतिशील है उसको रुकने में अधर्म द्रव्य काम करता है और जिसको चलना है गति चाहिए उसको धर्म द्रव्य काम करता है। और सो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य बेसिकली जीव
और पुद्गल इस दोनों के लिए सहायक है, क्योंकि ये दोनों में ही क्रिया शक्ति है, कार्य शक्ति है, और बाकी इसमें नहीं है। तो चलिए धर्म अधर्म की बात हो गई, आकाश द्रव्य की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं आकाश द्रव्य जो है लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश जो है यहाँ पर सारे जीव है, जहाँ पे सारे पुद्गल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, और अलोकाकाश जो है उसमें कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, वो प्योर प्योर यू नो आकाश द्रव्य है, कोई करप्शन नहीं वहाँ, प्योर आकाश द्रव्य है। और लोकाकाश जो है इट इज़ करप्ट इन द सेंस देयर आर सो मेनी पीपल देयर। तो ऐसे ही एक इनकी मीटिंग हो गई आकाश द्रव्य की, वो उसकी समझो कि पैलेस में मीटिंग हो गई, तो बहुत सारे लोग आए और फिर इसको विश करने के लिए, मगर कुछ लोग आए वो प्रोटेस्ट करने के लिए चले आए। तो बोले भाई साहब तो नरक लोग आ गए, सात नरक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो आए बोले कि आपने तो अच्छा काम नहीं किया, हम सात भाई आए थे आपको, आपने अलग अलग दे दिया, मगर इसको छोटा दिया, एक को बड़ा दिया, एक को उससे बड़ा दिया, तो हम प्रोटेस्ट करने आए कि सबको इक्वल इक्वल चाहिए। और वैसे ही जो मध्य लोक के जीव है वो भी आए प्रोटेस्ट करने कि भरे भाई साहब ऐसे नहीं, आपने तो स्वर्ग लोक को बड़ा ज़्यादा एरिया दे दिया, नरक लोक को बड़ा ज़्यादा एरिया दिया, और हमको तो बहुत छोटा एरिया, इतने लोग रहते हैं, वो प्रोटेस्ट करने आ गए। और देवलोक भी आ गए प्रोटेस्ट करने, इंद्र को लेके और बाकी सब आ गए, बोले भाई साहब आपने तो ऐसे किया वैसे किया। तो आकाश द्रव्य जो है कि उसका मूड चला गया, वो बहुत ही गुस्सा हो गया सब पे। तो उसने कहा ठीक है आप आ गए, एक घंटे के बाद फिर से मिलते हैं, अभी जो ये अपनी मीटिंग चल रही है, खाना वाना हम सब खाते हैं, फिर से मिलेंगे, फिर मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। तो एक घंटे के बाद सब आ गए, तो आकाश द्रव्य ने बोला कि देखो भाइयों, आप जो मांगते हो मैं नहीं दे सकता, आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से, मैंने आपको नहीं बुलाया, आप आए और मैंने आपको दे दिया, आपको नहीं पसंद है, चलो भागो यहाँ से, चले जाओ, 24 घंटे में खाली कर दो। तो फिर ये सब बैठे साथ में, बोले यार ये तो मुश्किल हो गई, आकाश द्रव्य को छोड़ के जाएंगे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, तो कोई हमें चारा नहीं है, तो चलिए आकाश द्रव्य से माफ़ी मांग लेते हैं। कहते कि भाई साहब अकल पे पर्दा पड़ गया था, इसलिए आपसे पंगा ले लिया, अभी अकल से पर्दा हट गया, थोड़ी अकल आ गई हमें, तो माफ़ कर दो, हम यहीं रहते हैं। तो आकाश द्रव्य जो है उसके बगैर किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल आकाश द्रव्य है, इसलिए बाकी सारे द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, सारे केवल आकाश के सहारे है। तो इसमें एक बहुत सुंदर शब्द है अवगाह, तो कहते हैं कि आकाश अवगाह देता है बाकी सारे द्रव्यों को। तो अवगाह मीन्स बेसिकली गिव्स द स्पेस, यू नो अवगाह का मतलब सिंपल है कि एक स्पेस उसको अलोकेट करके दे दी कि भाई ठीक है ये तेरी स्पेस। सो इसीलिए आकाश द्रव्य का इतना ही मेन काम है कि सबको अवगाह देना, मगर उसके अवगाह के बगैर कुछ भी नहीं है, सारा जो विश्व हम कहते हैं वो आकाश द्रव्य के सहारे। और काल द्रव्य को ले लेते हैं, थोड़ा उसकी भी फंक्शनैलिटी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि ये षट द्रव्य की एक मीटिंग हो रही थी, और उसमें पंचास्तिकाएँ जो है उन्होंने अपनी अलग ग्रुप बना लिया था,
और आकाल और काल द्रव्य को बोला था कि भाई साहब आप छोटे आदमी हो, सिंगल प्रदेश वाले हो, सिंगल फसली वाले हो, आप हमारे में सूट नहीं करते। तो षड्द्रव्य की मीटिंग हो गई थी, तो जो अस्तिकाएं हैं पांच, तो उन्होंने अपने अस्तिकाएं व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला कि भाई 10 मिनट पहले मिलते हैं और काल द्रव्य की थोड़ी खिंचाई करते हैं। तो सारे अस्तिकाएं जो पांच है, यानी कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पांच अस्तिकाएं हैं, केवल काल द्रव्य नहीं है। तो सारे आ गए और बैठे, तो बोले काल द्रव्य की थोड़ी खिंचाई कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड जो था उसको बुलाया कि बोले ओ काल द्रव्य तो तुम जानते हो, सिंगल प्रदेश वाला, तो उसको कह देना कि इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, किसी को अलाउड नहीं है। तो काल द्रव्य बेचारा आ गया टाइम पे, और सिक्योरिटी गार्ड ने बोला ऐसे ऐसे है। तो 10-15 मिनट उसने वेट किया, फिर वो चला गया। उसको लगा कि ये लोग कुछ इंसल्ट पर्पजली कर रहे हैं, तो उसने जाके पांच लोगों को मैसेज भेज दिया कि भाई साहब आपने मेरा इंसल्ट किया है और आप प्लीज़ माफ़ी मांग लो, नहीं तो फिर मैं कल आप लोगों को आपकी औकात दिखा दूंगा। तो पांच लोगों ने माफ़ी वगैरह कुछ मांगी नहीं। तो नेक्स्ट डे आ गया, वो पुद्गल द्रव्य को कुछ करना है, जीव द्रव्य को कुछ करना है, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य को कुछ करना है, वो कुछ नहीं कर सक रहे। तो क्या फिर अचानक उन्होंने आकाश द्रव्य से बात की, बोले अरे ऐसे हो रहा है, हो रहा है। तो उसने बोला मैंने आपसे कहा था कल कि काल द्रव्य से पंगा मत लेना कभी। तो अभी जब तक काल द्रव्य कुछ नहीं करेगा, कोई भी गति हम नहीं कर सकते, कोई भी बदलाव नहीं आ सकता, कोई भी पर्याय नहीं बदल सकता। तो जब तक काल द्रव्य की ब्लेसिंग्स नहीं है, कुछ भी चीज़ में परिवर्तन या बदलाव या गति नहीं आ सकती। तो सारे लोगों ने फिर उससे माफ़ी मांग ली, अरे भाई ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे आ। फिर काल द्रव्य ने मान लिया और फिर सबकी गति। तो काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, धर्म अधर्म द्रव्य है, इनका अपना अपना एक फंक्शनैलिटी है, और उस फंक्शनैलिटी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मगर वो केवल निमित्त मात्र है, और निमित्त नहीं है तो वो नहीं हो सकता। केवल जीव और पुद्गल जो है कि उसके वो कैसे निमित्त मात्र बनते हैं हम थोड़ी देर में देख लेंगे, मगर धर्म अधर्म आकाश और काल को ये एक अलग एंगल से हमने आज थोड़ा देख लिया, ताकि वो कॉन्सेप्ट थोड़े हमें क्लियर होते चले जाइए। तो और थोड़ी सी इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो एक ये होता है कि जीवकाय द्रव्य कितने हैं। तो जीवकाय तो एक ही है, जीव द्रव्य, जो चेतन शक्ति जिसमें है वो जीवकाय द्रव्य, और अजीवकाय द्रव्य जो है जैसे हमने देखा था धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, ये सब अजीव काय है, इसमें चेतन शक्ति बिल्कुल नहीं है। तो इस एंगल से ये देख ले, और जो रूपी है वो पुद्गल है, और जो पुद्गल है रूपी है, जैसा कि उस दिन पंकज सिंह ने कहा था कि भाई रूपी है जो है तो डेफिनेटली 100% पुद्गल है। तो बिल्कुल जो रूपी है वो पुद्गल ही है, वो पुद्गल है, वो रूपी है, और अरूपी जो है बाकी पांच द्रव्य जो है वो अरूपी है, जीव द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सब अरूपी है। और फिर निष्क्रिय और क्रियाशील, तो क्रियाशील जो है जीव और पुद्गल, ये दो ही क्रियाशील है, और बाकी चार जो है धर्म अधर्म आकाश और काल, ये निष्क्रिय है, ये कोई एक्शन क्रिया नहीं करते। और अस्थिकाय का तो हमने अभी देखा था, फिर से अब रिपीट कर देते हैं। तो अस्थिकाय मतलब जिनके ज्यादा, दो से ज्यादा प्रदेश है, दो या उससे ज्यादा प्रदेश जिनके है वो अस्थिकाय जीव। तो इसमें जो है जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म और आकाश, काल हमने देखा सिंगल प्रदेश ही है, तो वो अस्थिकाय में नहीं आता है। विनोद जी, हाँ जी, धर्म अधर्म में एक
कैसे हुआ ये अस्तिकाय? हाँ, धर्म अधर्म अस्तिकाय कैसे माने गए? हाँ, इनके बहुत प्रदेश है, वो देखेंगे अभी थोड़ा आगे चल के किसके कितने प्रदेश है, वो हम एक मिनट में उधर आ जाएंगे किस कितने प्रदेश है। ये सिंगल द्रव्य है, एक द्रव्य है, मगर उनके प्रदेश असंख्यात है। हाँ, द्रव्य एक है मगर प्रदेश असंख्यात है। तो प्रदेश की डेफिनेशन क्या है कि एक परमाणु को रहने के लिए जितनी जगह चाहिए वो प्रदेश है। हाँ, तो परमाणु इज वेरी वेरी स्मॉल और उसके रहने के लिए जगह वो भी इक्वली स्मॉल। धर्म अधर्म तो सिर्फ निमित्त है, उनका तो कोई शेप तो कुछ है नहीं। नहीं, मगर उनका जो है अस्तित्व पूरे लोकाकाश में है। ठीक है, दोनों का अस्तित्व पूरे लोकाकाश में है, क्योंकि गति कहीं भी हो सकती है ना। समझो जीव वहां पहुंच गया तो वहां यदि धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है तो गति और स्थिति नहीं कर सकेंगे कोई भी। तो सारे लोकाकाश में धर्म और अधर्म स्प्रेड आउट है और इसलिए वो असंख्यात प्रदेशी है। तो ऑलमोस्ट हम टेक्निकली ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हर एक प्रदेश के पास धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य प्रेजेंट है और प्रसंग। हाँ, काल भी साथ में आकाश के। हाँ, काल का हम देख लेते हैं, काल कैसे सिंगल प्रदेशी है। ओके, हाँ, तो अस्थिकाय में हमने देखा ये है, और अस्थिकाय में अचेतन, तो अस्थिकाय अचेतन में केवल जीव नहीं रहेगा क्योंकि जीव चेतन है। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये अस्थिकाय में अचेतन अस्थिकाय, और जो जीव है वो अस्थिकाय और चेतन हो गया। और दूसरी एनालिसिस लेके कि कितने द्रव्य नित्य है और कितने नहीं है, तो सारे छह द्रव्य नित्य है। हमने देखा था अस्तित्व गुण जो कॉमन है सारे द्रव्यों को, तो अस्तित्व गुण क्या है कि दे आर अनक्रिएटेड, है ना, अनादि है, अनंत है, न किसी ने बनाया न कोई उसे नष्ट कर सकता है। तो ये अस्तित्व की जो क्वालिटी है वो अस्तित्व क्वालिटी सारे द्रव्यों में है, इसलिए वो नित्य है। वो ऐसे नहीं कि किसी ने अभी बनाया और फिर कल गायब हो जाएगा, नहीं, दे आर ऑलवेज देयर, सो दैट्स वाई नित्य। तो अभी लेते हैं कि द्रव्यों की संख्या कितनी होती है। तो एक द्रव्य जो है धर्म अधर्म और आकाश, ये एक 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 है, सिंगल नंबर। एक ही आकाश द्रव्य है, एक ही धर्म द्रव्य है, एक ही अधर्म द्रव्य है। और काल द्रव्य जो है वो असंख्यात है। तो जितने प्रदेश है हर प्रदेश में एक कालाणु रहता है। कालाणु क्या है और ये हम देख लेंगे थोड़ी देर में। तो हर एक प्रदेश में एक कालाणु रहता है, तो इसीलिए काल द्रव्य जो है वो असंख्यात नंबर है उसके। धर्म अधर्म और आकाश ये एक एक है, काल द्रव्य असंख्यात है, जीव अनंत है, सारे लोकाकाश में जीव फैले हुए हैं, और अजीव भी अनंत है, यानी कि पुद्गल। सो पुद्गल जो है वो अनंत है, और कैसे अनंत है, तो जीव के भी वो अनंत गुना है। तो जीव तो अनंत है ही, मगर पुद्गल जो है वो अनंत है मगर जीव से अनंत गुना है। तो थोड़ा सा डाइवर्ट करके एक दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मैथमेटिक्स इन्फिनिटी को एक ही मानते हैं, है ना। सो वंस वी से इन्फिनिटी, मगर जैनिज्म ने
जैन आचार्यों ने इन्फिनिटी के और ग्रेडिंग कर दिया है। तो जैसे कि एक ब्लैक बेल्ट कराटे वाला होता है, एक वाइट बेल्ट से शुरू करते हैं, वाइट बेल्ट येलो बेल्ट वगैरह करके ब्लैक बेल्ट आ जाता है, मगर ब्लैक बेल्ट में भी ग्रेडिंग होती है। फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, सेवंथ इज द टॉप मोस्ट। तो व्लादिमीर पुतिन इज अ सेवंथ डिग्री ब्लैक बेल्ट होल्डर, सो वन ऑफ द फ्यू इन द वर्ल्ड। तो इसी प्रकार इन्फिनिटी में हमारे आचार्यों ने कहा कि भाई असंख्यात जो है दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटी, अनंत जो है इट इज इन्फिनिटी बट एट ए हायर ग्रेड, और दूसरा है अनंतानंत दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटी बट स्टिल एट ए हायर ग्रेड, है ना। तो इसी प्रकार जीव द्रव्य अनंत है और अजीव द्रव्य हम कह सकते हैं अनंतानंत है, यू नो, अनंत से भी अनंत गुना है। तो अभी देखते हैं द्रव्यों के प्रदेश कितने होते हैं। तो हमने देखा कि एक काल द्रव्य है उसका एक ही प्रदेश होता है, और ऐसे असंख्यात काल द्रव्य है। तो असंख्यात है तो जो एक एक है वो एक ही प्रदेश में रहता है, तो एक काल द्रव्य एक प्रदेश में रहेगा, दूसरा काल द्रव्य दूसरे प्रदेश में रहेगा। इस प्रकार से हर एक प्रदेश में एक काल द्रव्य होता है, वो केवल एक प्रदेश में रहता है। आकाश जो है उसके अनंत प्रदेश है, धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य है इनके असंख्यात प्रदेश है, और पुद्गल द्रव्य जो है उसका एक प्रदेश, जैसे कि कालाणु है एक प्रदेश में रहता है, या परमाणु है एक प्रदेश में रहता है, या वो संख्यात एक से ज़्यादा इसमें, और असंख्यात और अनंत प्रदेशों में पुद्गल रहता है। तो हमने परमाणु और स्कंध की बात की थी, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो स्कंध जो है दो या उससे ज़्यादा, परमाणु का एक शब्द है संघात, संघात यानी कि दोनों का मिलन या संयोग या बंध। तो जब ये संघात हो जाता है तो जितने परमाणुओं का संघात होता है उतने प्रदेश उस स्कंध को चाहिए। तो समझो कि चार परमाणु मिलके एक स्कंध बन गया तो उसको चार प्रदेश चाहिए, 100 का बन गया 100 चाहिए, अनंत का बन गया अनंत चाहिए। तो जितने परमाणु बनकर एक स्कंध बनता है उतने उसके प्रदेश। तो इसीलिए जो पुद्गल है या तो एक या संख्यात या तो असंख्यात या अनंत या अनंतानंत, ये सारे पुद्गल की। तो ये थोड़ी सी हमने डेफिनेशन दे ली ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कि हाउ दे फंक्शन, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके फंक्शन की क्लैरिटी आ जाने के लिए। और आगे चलने से पहले थोड़े से कुछ शब्द है इसमें जो हमने यूज़ किए थे उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि दे आर फ्रेश इन आवर माइंड। तो एक शब्द होता है कि अवस्थित, आ जाता है कभी कि अवस्थित ये होता है, तो अवस्थित का मतलब जो है कि उसके अलोकेटेड प्रदेश है कुछ, मगर वो स्पेस ऑक्यूपाइड जो है वो कम ज़्यादा कर सकता है, उसकी वो कैपेबिलिटी है। तो समझ लो कि एक आत्मा है और हाथी के शरीर में है, तो उसके प्रदेश जो है हाथी के शरीर के इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि आत्मा जो है जो शरीर है उसके प्रकार से एक्सपांड हो जाता है। समझ लो ये हाथी अभी मरकर अगले जन्म में चींटी बन गया, तो आत्मा तो वही है
आत्मा से जुड़े हुए प्रदेश भी उतने ही है, और वो चींटी के शरीर में रहेगा अभी, तो हाथी के शरीर में था तो एक्सपांड होके उतना बड़ा हो गया, चींटी के शरीर में आया तो कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा बन के उतना हो गया। तो इसको कहते हैं अवस्थित, यानी कि संकोच और विस्तार की जो कैपेबिलिटी है, जो क्वालिटी है, उसके कारण वो एक्सपांड हो सकता है, छोटा हो सकता है। एक छोटे से उदाहरण से हम देख लेते हैं कि अंधेरा हो गया सब जगह, तो हमने एक दिया जलाया, एक छोटे से कमरे में दिया जलाया तो सारा कमरा प्रकाश से भर गया। उस दिए को हम लेके गए उससे बड़े रूम में, और रूम पूरी फिर से प्रकाश से भर जाएगी। उसके प्रदेश तो उतनी ही है मगर वो एक्सपांड हो गया। उससे बड़े हॉल में लेके जाए वो फिर एक्सपांड हो जाएगा पूरा हॉल। तो ये जो एक दिए की जो लो है उसके पास ये कैपेसिटी है कि जितनी बड़ी जगह है उतना उतने इसमें वो प्रकाश फैला सकती है ना। छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, तो इसको बोलते हैं संकोच विस्तार शक्ति। तो ये थोड़ी सी हमें याद होनी चाहिए। एक आता है कि संघात, संघात यानी कि संयोग, बंध, मिलन, वो सिंपल है। एक शब्द आता है उपकार, तो बहुत बार हम उपकार शब्द का उपयोग करते हैं, करने करेंगे भी आगे जाकर। तो उपकार जो शब्द है उसका अर्थ है कि वो निमित्त मात्र बनना है। उपकार भी जो निमित्त मात्र शब्द है उसी प्रकार से है। दूसरा एक शब्द है हमने देखा निष्क्रिय, तो जो क्रियाहीन है वो निष्क्रिय है। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि उपादान। उपादान का मतलब होता है कि इनहेरेंट क्वालिटी, जो उसकी अपनी क्वालिटी है। जैसे सोने में हमने देखा कि इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि कीचड़ में भी डाल दिया तो रस्ट नहीं होता है, मगर लोहे को उसके साथ डाल दिया तो रस्ट हो जाएगा। तो ये स्वर्ण की इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि वो रस्ट नहीं होता है, और इसीलिए जो बड़े बड़े क्रिटिकल पीसीबी होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो वेरी क्रिटिकल एप्लीकेशंस में है, स्पेस में है या कहीं लगाने हैं डिफेंस में, तो वो गोल्ड प्लेटेड होते हैं, क्योंकि गोल्ड की वो क्वालिटी है कि वो जो है कि रस्ट नहीं होता है या कुछ नहीं होता है। एक शब्द आता है सत। सत यानी कि बहुत सिंपल है, उत्पाद व्यय द्रव्य, इसको एक शब्द दे दिया है सत। और प्रदेश तो हमने देखा है क्या है कि एक पुद्गल जहाँ रहता है वो प्रदेश है। तो एक और सिंपल बात थोड़ी सी देख लेते हैं कि जो संख्यात होती है क्वांटिटी, वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जिनको है वही अंडरस्टैंड करते हैं। असंख्यात जो है केवल अवधि ज्ञान वाले अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मति और श्रुति वाले नहीं, और अनंत जो है सिर्फ केवल ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी जो कंप्लीट स्कोप जो है उसका। तो चलिए इस प्रकार से हमने थोड़ी सी अभी रिवाइज कर ली है कि क्या हमने आज तक देखा है, और इट वाज इम्पोर्टेंट कि ये थोड़ा सा हम इसे फिर से रिवाइज कर ले। तो इस पे कोई प्रश्न है तो उसको ले लेते हैं, एंड देन फिर वी मूव ऑन टू पुद्गल और जीव का जो कॉम्बिनेशन है उसके क्या। कोई भी प्रश्न है पूछ लीजिए, बिकॉज हमारी आइडिया ये है कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो हमें क्लियर हो जाए, और ताकि जो आगे हम सात तत्व लेंगे उसमें ये सारी चीज़ें बहुत आएंगी, और वहाँ फिर वो हमें समझने के लिए इसकी क्लैरिटी थोड़ी, और ये बात मैं मानता हूँ कि ये इमीडिएट एक दो डिस्कशन में नहीं आती है, इसको मल्टीपल डिस्कशन में, तो जैसे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे
तो ये रिवाइज होते चला जाएगा, तो क्लैरिटी भी आती जाएगी और जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझते चले जाएंगे। मगर फिर आज अभी यहाँ तक कोई प्रश्न है तो उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। ये उपादान एक बार समझाइए। उपादान, हाँ, लास्ट में आपने उपादान की बात की ना, हाँ, वो दोबारा बताइए, वो मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है कि उपादान जो होता है कि जो उस जीव की या उस पदार्थ की अपनी क्वालिटी होती है, उसके कारण ही वो पॉसिबल होता है। तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे सोना है और एक पत्थर है, तो सोना और पत्थर लेके हम ज्वेलर के पास चले जाएंगे, उसको कहेंगे कि भाई एक कंगन पत्थर का बना दो, एक कंगन सोने का बना दो, तो कहेगा कि भाई साहब पत्थर का कंगन नहीं बन सकता है। तो पत्थर में ये उपादान क्वालिटी नहीं है, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो किसी शेप में दूसरे शेप में आ जाए। मगर सोने में ये उपादान है उसका, ये क्वालिटी है कि वो बहुत जल्दी किसी भी शेप में रह सकता है और मजबूती के साथ रह सकता है। इसलिए जो गहने हम बनाते हैं वो ज़्यादातर सोने के इसलिए होते हैं कि इजीली हम बना सकते हैं और वो रस्ट नहीं होते, एनवायरनमेंट को जो है उसमें वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये जो है ये सोने का उपादान हो गया कि उसके ऑर्नामेंट इजीली बन सकते हैं और वो रस्ट नहीं होता है, अपनी क्वालिटी मजबूत वैसे के वैसे ही रख सकता है। सो विनोद जी, एक प्रश्न है। हाँ जी, उपादान और उपयोग में क्या फर्क है? हाँ, सो उपयोग बेसिकली यू नो इज बिकॉज ऑफ द उपादान। उपादान इज अ इनहेरेंट क्वालिटी, बट आप ज्वेलर के पास नहीं गए सोना लेके तो उसके कंगन नहीं बनेंगे, बट पत्थर को लेके गए आप तो कंगन नहीं बनेंगे क्योंकि पत्थर में उपादान नहीं है। और सोना आपके पास पड़ा है मगर आपने उसके ऊपर कोई क्रिया नहीं की तो उसकी उपादान की कोई अभी तक उसका यूज नहीं हो गया। तो उपादान इज अ इनहेरेंट क्वालिटी एंड यूजिंग दैट क्वालिटी जो है कि आपका परिणमन हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस। एनी अदर क्वेश्चन? तो एक मेरा प्रश्न है। हाँ हाँ जी बोल। हाँ, एक प्रश्न ये है उपकार का, जैसे हमारा 21वें श्लोक में आता है, इसमें तत्वशर परस्पर ग्रह जीवाणु, बिल्कुल वहां पर उपकार शब्द का यूज होता है। हाँ बिल्कुल, तो समझाने में। हाँ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आगे जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें उपकार हम यूज़ करते हैं, मगर मैं आप अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि वहाँ तो करना ही था। तो उपकार का जैसे हमने कहा कि उपकार इज ए निमित्त, तो एक जीव दूसरे पे कुछ करता है उपकार, मगर ये रियलिटी है कि एक जीव दूसरे के सुख दुख को बदल नहीं सकता, है ना। जिसका सुख दुख है वो अपने आप को ही भोगना पड़ता है, मगर उपकार मींस यू आर अ निमित्त मात्र फॉर सर्टन थिंग्स टू हैपन। अभी हम आगे चलकर पुद्गल के जीव पर क्या उपकार है ये देखेंगे, ये तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? आई हैड वन क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। उपादान का ऑपोजिट? नहीं नहीं अपो ऑपोजिट अपोजिट ऑपोजिट हाँ नहीं उपादान का तो ऑपोजिट जो है कि लैक ऑफ उपादान, नहीं उतना ही हम कह सकते हैं कि अच्छा। हाँ उसमें अपोजिट कुछ नहीं है, बट उपादान इज ए क्वालिटी बिकॉज ऑफ विच यू आर व्हाट यू आर, यू नो। उपादान अंग्रेजी में Capability. बिल्कुल परफेक्ट 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 एकदम उल्टा हो गया, इनकेपेबिलिटी। हाँ तो कैपेबिलिटी इज अ परफेक्ट वर्ड फॉर दैट,
इन इंग्लिश, बिल्कुल, एंड दैट इज इनहेरेंट कैपेबिलिटी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स. ओके, दैट इज योअर ओन इनहेरेंट क्वालिटी विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबडी एल्स, कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबडी एल्स, योअर ओन इंडिविजुअल क्वालिटी. उससे ये कंफ्यूजन पैदा होता है मेरे को कि ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है, जबकि ये कहा जाता है कि द्रव्य तो एक दूसरे के स्वतंत्र है. छह द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र है, ये अपना अपना काम करते हैं, किसी दूसरे के काम में दखल नहीं देते. बिल्कुल, तो इसलिए उसको निमित्त मात्र कहते हैं, है ना. तो निमित्त मात्र का मतलब ये जो है, ये षट द्रव्य डिस्कस करते हम या जैनिज्म के तत्व डिस्कस करते हैं, तो निमित्त मात्र शब्द बहुत बार आएगा ना. तो इसके एकदम उसकी क्लैरिटी हमें होनी ही चाहिए कि क्या है निमित्त मात्र. तो निमित्त मात्र जो है कि ओ, तो जैसे कि एक कैटेलिटिक एजेंट होता है, हमने एक उदाहरण लिया था, है ना. तो कैटेलिटिक एजेंट जो है वो कुछ करता नहीं है, है ना, मगर उसके प्रेजेंस के बगैर वो प्रोसेस होती नहीं है. वो प्रोसेस के बाद वो कैटेलिटिक एजेंट जैसा है वैसा है, उसका वजन उतना ही है, उसका आकार वैसा ही है, उसका कलर वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं, एब्सोल्युटली नो चेंज. मगर वो कैटेलिटिक एजेंट जब तक नहीं है वो क्रिया हो नहीं सकती. तो यहाँ पे जो हम कहते हैं यू नो, तो वो ऑलमोस्ट लाइक ए कैटेलिटिक एजेंट, यू नो, निमित्त मात्र है. उस वो निमित्त नहीं है तो बनेगी नहीं चीज, ठीक है ना. तो जैसे कि एक हमारे इसमें अलग कॉन्सेप्ट है, पांच समवाय, है ना. तो उसमें उपादान और निमित्त दोनों होते हैं, मगर निमित्त नहीं है तो उपादान कुछ काम नहीं करता है, और उपादान है और निमित्त नहीं है तो भी घटना घट नहीं सकती है. तो दोनों चाहिए, मगर दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, बदलते नहीं, मगर उनकी प्रेजेंस जरूरी है. सो इन दैट वे दे आर डिपेंडेंट, यू नो, बट नॉट डिपेंडेंट ऑन दी जो बल चाहिए या वो कार्य करने के लिए जो ताकत चाहिए या कुछ चाहिए, वो नहीं. वो इनहेरेंट हर एक की अपनी अपनी है. तो काल द्रव्य कुछ देता नहीं किसी को, मगर वो नहीं है तो कुछ भी परिवर्तन पॉसिबल नहीं है. तो यू नो, तो जितने परिवर्तन हो गए हैं ये सारे काल द्रव्य के कारण, इसलिए हम सारे कहते हैं कि काला या तस्मे नमः. इतनी यू नो अनेक अनेक धर्म आ गए, अनेक अनेक यू नो समूह आ गए, उन्होंने बड़ी प्रोग्रेस की और गायब हो गए, है ना. अटलांटिस था वन ऑफ द मोस्ट एडवांस, समंदर में गायब हो गया, और काल प्रवाह में सब बह जाता है, मगर काल जो है उसके पास सारे रिकॉर्ड है. जितने चेंजेस आए, जितने परिवर्तन आए, जितने पर्याय बदल गए हर चीज के, काल के पास सबका रिकॉर्ड है. बिकॉज वो सारे परिवर्तन, वो सारे पर्याय का बदलाव केवल काल द्रव्य के निमित्त मात्र बनने से हो गए. वो केवल निमित्त मात्र है, मगर उसके कारण ही इतनी सिविलाइजेशन आई और चली गई. तो सारे काल द्रव्य में तो हम कहते हैं कालाय तस्मिन् नमः, जो है साला काल प्रवाह में पैदा होगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, लोग भूल भी जाएंगे, ठीक है. तो दिस इज ओनली निमित्त मात्र. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, कुछ नहीं कर सकता, तो शुड इट बी चेंज्ड एंड
उसमें ऐड कर सकते हैं कि नैमित्तिक ही होता है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो एकदम सारे डिस्कशन में ये क्लैरिटी बिल्कुल हमें होनी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं बनता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं बनता, है ना। तो ये जो अगुरु लघुत्व हमने देखा था, कॉमन क्वालिटी, तो अगुरु लघुत्व में ये तीन बातें हमने देखी थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण जो है उसमें वो दूसरे गुण के जैसा होता नहीं। जैसे कि सोना है तो सोने के तीन गुण समझो, पकड़ लो कि शाइनिंग क्वालिटी, एक तो येलोनेस और एक तो उसका जड़पना, यू नो। तो शाइनिंग जो है वो येलो नहीं बनता, और येलो है वो शाइनिंग नहीं बनता, और जो गुरुत्व उसकी जड़नेस की क्वालिटी है, जड़त्व की है, वो नहीं बदलती, वो वैसे ही रहेगी। तो इसलिए जो सोना है उसका छोटा सा भी भाग ले तो येलो रहेगा, वो शाइनिंग रहेगा, उसमें जड़त्व रहेगा। और सोना आज जो है उसमें वही तीन क्वालिटी है, कल जो था उसमें वही, और फ्यूचर में भी वही क्वालिटी रहेगी। तो एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी में नहीं बदलती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तो हम जीव है, हम कभी पुद्गल नहीं बनेंगे, और जो पुद्गल है वो कभी आकाश द्रव्य नहीं बनेगा, और जो आकाश द्रव्य है वो कभी काल द्रव्य नहीं बनेगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली, यू नो। तो अगुरु लघुत्व जो क्वालिटी है वो हमें उसके लिए बिल्कुल क्लैरिटी ले आती है। और एनी अदर क्वेश्चन? इट इज़ गुड टू हैव क्वेश्चन बिकॉज इम्पोर्टेंट टू हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट। ये जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है एलिमेंट्स में, हाँ, जैसे यूरेनियम आइसोटॉप्स चेंज होते हैं इंटरनली और आइसोटॉप रिलीज करने से, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाएगा? दैट इज पर्याय, वो पर्याय बदल रहा है। एक गुण बदल जाएंगे ना फिर उसके? हाँ, उसके गुण बदल रहे हैं ना सर? नहीं, वो टेम्पररी बदल रहे हैं, बट वो द्रव्य की जो मूल ये है द्रव्यता, वो वैसे ही रहेगी। सोना है वो सोना ही रहेगा, बट सोने के जो आइटम्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, पॉजिट्रॉन्स है, वो अलग अलग प्रकार से घूमते रहेंगे, उसमें कम ज़्यादा होते रहेगा, बट ओवरऑल जो द्रव्यत्व है उसका क्वालिटी जो है वो फिक्स रहेगी। तो इट विल स्टे अजीव, हाँ, तो उसको हम वो पर्याय में ले सकते हैं कि वो टेम्पररी जो बदलाहट हो रही है, जैसे कि एक घड़ा है, घड़ा फूट गया, हाँ, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और घड़ा बनने से पहले माटी था, और कुम्हार ने माटी को एक शेप दे दिया, है ना। तो ये बदलाव हो रहे हैं उसके, मगर जो माटी का माटीपन है वो कायम है सब इसमें। एक बात मैं बताता हूँ, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना आइसोटोप के बारे में, हाँ सर, उसमें जो आपने आइसोटोप की बात कही उसके अंदर अगर आप देखें तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, और इवन वो भी परमाणु नहीं है हमारे हिसाब से, परमाणु उससे भी छोटे, मतलब उसका भी भाग है, क्योंकि अभी तो हमें पता है वी कैन इवन गो बिलो प्रोटॉन्स, राइट? So that is a change in number of these. That's how the elements are getting changed. So, लेकिन जो पुद्गल का गुण है, वो same रहेगा, उसमें सिर्फ जो बदलाव है, वो ऊपरी है। बिल्कुल। बाल है, पहले काले थे, फिर ग्रे हुए, फिर व्हाइट हो गए, right? लेकिन बाल तो बाल ही है ना, उसका अस्तित्व। गुण change हो रहा है उसके। लेकिन गुण इटसेल्फ चेंज नहीं हो रहा, गुण रहेगा ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान और दर्शन, वो बढ़ सकता है कम हो सकता है बिकॉज ऑफ ज्ञानावरणी कर्म। सिंपल लैंग्वेज में जैसे विनोद जी बताया कि सोना पीला होता है, वो पीला ही रहेगा, बाल बाल रहेगा, बाल कलर चेंज कर रहा है। सोने का भी आप कलर चेंज कर सकते हो, मिक्स करते हैं कुछ, वो निकल मिक्स करते हैं ना, व्हाइट कर देते हैं उसे। सोना
नहीं तो यहाँ पे देखो नहीं, हाँ तो ये बहुत बिल्कुल अच्छा डिस्कशन है। तो यहाँ पे क्या है कि परमाणु और स्कंध, तो जो परमाणु है स्कंध जो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, तो जो स्कंध बनेगा तो प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है ना। एंड स्कंध से जो एलिमेंट बनेगा सो दैट विल बी डिफरेंट देन द टू एलिमेंट्स विच मेक ए स्कंध। और एक स्कंध जो है वो बदल के और दूसरा स्कंध बनेगा बड़ा या छोटा तीसरे से मिलकर, तो उसकी प्रॉपर्टी फिर अलग हो जाएगी। तो परमाणु और स्कंध इसमें हमें थोड़ा सा फर्क रख के फिर एनालिसिस करते जाना है। तो चलिए आगे चलते हैं बिकॉज वी नीड टू कवर अप। तो पुद्गल का जीव पर क्या उपकार है, तो उपकार की बातें हम कर रहे थे। तो पुद्गल के कारण हमें शरीर मिला है, शरीर जीव का नहीं है, पुद्गल का ये हम पर उपकार है कि हमें शरीर मिला है। शरीर तो पांच प्रकार के हैं, हमें पता है, यू नो औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मण, ये सारे पुद्गल के कारण हमें मिल गए हैं। अच्छा, दूसरा एक उपकार है पुद्गल का कि जो वचन है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पुद्गल के कारण मिला है, ये जीव क्या नहीं है, पुद्गल के कारण वचन मुझे मिल गया है। उसी प्रकार मन जो है, मन भी पुद्गल के कारण हमें मिल गया। और प्राण अपान श्वास उच्छ्वास की जो क्रिया है वो भी पुद्गल का उपकार है कि ये हमारे पास है। सुख और दुख ये भी पुद्गल के कारण ही हमें मिले हैं। जो प्योर जीव है ना उसे सुख दुख नहीं है, तो सुख दुख भी जो है ये पुद्गल का हमारे और उपकार है। जो साता वेदनीय कर्म होता है उसके कारण हमें सुख मिलता है, और जो असाता वेदनीय कर्म होता है उसके कारण हमें दुख मिलता है। और फिर जो हमारा जीव है वो भी आयु कर्म के कारण हमें मिला है, तो वो भी कर्मों के कारण पुद्गल के कारण मिला है। और जो हमारा मरण आने वाला है वो भी जब भी आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो हम कहते हैं कि हम उसका मरण हो गया, यानी कि उसने ये बॉडी छोड़ दी, तो वो भी जो है कि पुद्गल का। तो पुद्गल के ये हमारे ऊपर उपकार है कि पांच शरीर, वचन, वचन में भी भाव शब्द और द्रव्य शब्द, और मन में भी भाव शब्द और द्रव्य शब्द, हम उसके डिटेल में जाएंगे नहीं, और प्राण और अपान दैट इज श्वास और उच्छ्वास, सुख और दुख, जीवन और मरण। तो पुद्गल के ये हमारे ऊपर उपकार है, जितने सारे हमारा शरीर जो है, जो इंद्रिय है और इंद्रियों से जो हम काम कर रहे हैं, ये सारे जीव और पुद्गल का जो कॉम्बिनेशन है, और पुद्गल में भी कर्म, तो जो पुद्गल होते हैं सारे पुद्गल से कर्मबंध नहीं होता है। इस बात को एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमें समझ लेनी है। तो पुद्गल में भी एक कैटेगरी होती है पुद्गलों की, जिसको कहते हैं कर्म प्रायोग्य परमाणु। तो कर्म प्रायोग्य पुद्गल परमाणु जो होते हैं केवल उतने ही बंध करने में उस काम में आते हैं, बाकी जितने पुद्गल है उससे कोई कर्मबंध या कुछ होता नहीं है। तो कर्म प्रायोग्य पुद्गल की हम बातें करेंगे आगे चलकर, जब कर्म सिद्धांत की बातें करेंगे वहाँ पे। तो ये जो पुद्गल के उपकार हम पर है ये कर्म
प्रायोग्य पुद्गल के उपकार है, क्योंकि उसी के कारण कर्मबंध हो गया और कर्मबंध होने के कारण हमें शरीर मिल गया, और शरीर मिल गया तो उसके साथ वचन मिल गया, मन मिल गया, श्वासोच्छ्वास मिल गया, जीवन मरण मिल गया, और सुख दुख जो ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम जो है, तो ये सारे पुद्गल का हम पर उपकार ऐसे कहा जाता है। तो पुद्गल के कारण, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरी व्यक्ति इंडिपेंडेंट होती है और फिर उनकी मैरिज हो जाती है, तो फिर जो मैरिड कपल की जो पर्सनैलिटी है टोटली डिफरेंट हो जाती है, यू नो। और इसी प्रकार जीव के जो क्वालिटीज़ है और पुद्गल के जो क्वालिटीज़ है, उसकी जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्वालिटी अलग से हो जाती है। तो हम जो है अभी हमारे जो अस्तित्व है ये जीव और पुद्गल, यानी कि कर्म प्रायोग्य पुद्गल, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो है। सो हमारी पर्सनैलिटी पुद्गल से थोड़ी डिफरेंट होगी, जीव के बेसिक क्वालिटी से भी थोड़ी डिफरेंट होगी, और हमारा सारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पर्सनैलिटी कैसे काम करती है, क्योंकि दैट इज़ आवर अस्तित्व, है ना। तो जब तक हम सिद्ध नहीं बनते, ये शरीर हमारे साथ रहेगा, शरीर कर्मों के कारण आएगा, और जब तक कर्म शरीर जाएगा नहीं तब तक हम इस कंबाइंड इसमें ही रहेंगे। तो इसलिए ये कंबाइंड क्वालिटी को हमें समझना है। तो इसके साथ ही 10 प्राण जो होते हैं, जो हमें कर्म के कारण मिलते हैं, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो 5 इंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, ये हमको पता है, वो पहले पाठमाला में हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें नहीं जाते। तो 5 इंद्रिय है और 3 बल होते हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल। तो इनका जो बल होता है, जो उनकी ताकत होती है वो, और आयु और श्वासोच्छ्वास, यू नो, ब्रीदिंग कैपेबिलिटी। तो ये 10 प्राण होते हैं, ये भी हमें पुद्गल का उपकार इस हिसाब से मिल जाते हैं। तो शरीर, वाचन, मन, प्राण, आपान, सुख दुख, जीवन मरण, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो ये 10 प्राण और पुद्गल हो गए, ये पुद्गल का हम पर उपकार है। अच्छा, जो गुणस्थान होते हैं, 14 गुणस्थान होते हैं, तो 14 गुणस्थान भी कर्म के कारण, पुद्गल के कारण ही होते हैं। तो 14 गुणस्थान के नाम जस्ट क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मिथ्यात्व पहला स्टार्टिंग है, और फिर सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली जिना, और 14वां है अयोग केवली जिना। तो संयोग केवली जिना तक तो सारे कर्मों के कारण है, और अयोगी केवली जिना भी, क्योंकि तब भी जो है शरीर होता है, तो वो भी, तो 14 गुणस्थान सारे ये पुद्गल का ही हम पर उपकार है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानना। और दूसरी एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कि वर्गणा। तो वर्गणा में बहुत से है, आई थिंक देर आर 22 वर्गनाज, विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट ऑल्सो इट इज़ पार्ट ऑफ पुद्गल का उपकार। तो आहार वर्गना, तेजस वर्गना, कार्मांड वर्गना,
भाषा वर्गना और मनोवर्गना, इसमें थोड़ा सा एक एक मिनट हम डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आहार वर्गना जो होती है उसके कारण जो हमारे पांच शरीर है, इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि आहारक, वैक्रियक, तेजस, कार्मण और एक कौन सा रह गया, आहारक। तो ये आहारक, वैक्रियक, लेट मी रिकॉल द फिफ्थ वन। तो ये जो है आहार वर्गना, हाँ आहारक शरीर, सॉरी आहारक शरीर, तो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये तीन शरीर जो है ये आहार वर्गना के कारण बनते हैं। तो आहार वर्गना जो है इसके लिए निमित्त है, और तेजस वर्गना जो है उसके कारण तेजस बॉडी बनती है, और कार्मण वर्गना जो है उसके कारण कार्मण बॉडी हमारी बनती है। तो ये जो तीन वर्गना है इसके कारण हमारे पांचों शरीर बन जाते हैं। और भाषा वर्गना जो है उसके कारण जो हमने देखा वचन, तो ये वचन जो हमें मिलता है वो भाषा वर्गना के कारण मिलता है, और मन जो मिलता है वो मनोवर्गना के कारण मिलता है। तो ये केवल पांच हम इसलिए लिए कि ये रिलेटेड है टू द व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट, और बाकी जो वर्गना है हम आगे जाकर इसको हम देख सकते हैं। तो ये पुद्गलों का हम पर जो है उपकार है, और जो इसमें डिस्कशन जो द्रव्य करते हैं तो उसमें एक सूक्ष्म और स्थूल ये बात आती है, तो उसको भी हम दो मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। तो सूक्ष्म और स्थूल उसके तीन तीन भाग बनाए हैं, सूक्ष्म के तीन और स्थूल के तीन, सो टोटली छह भाग बना दिए हैं। तो सबसे सूक्ष्म जो है उसको सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं, और फिर सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल, तो ये सूक्ष्म के तीन भाग हो गए, और स्थूल के तीन भाग हो गए स्थूल सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल स्थूल। तो सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक मैं एक बार रिपीट करता हूं, और उसके थोड़े एक एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो सूक्ष्म 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 स्थूल, फिर स्थूल टॉप में आ गया, सूक्ष्म नीचे आ गया, स्थूल सूक्ष्म स्थूल स्थूल स्थूल, ठीक है। तो स्थूल स्थूल जो है कि जो सॉलिड वस्तुएं होती है, जैसे टेबल है, कुर्सी है, यू नो पर्वत है, घर है, तो ये स्थूल स्थूल हो गए। और स्थूल केवल स्थूल जो है तो लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड टाइप के जो पदार्थ है वो स्थूल में आ जाते हैं। और स्थूल सूक्ष्म जो है कि जो हमारी आंखें देख सकती है मगर हम पकड़ नहीं सकते, जैसे कि प्रकाश है, तो प्रकाश की किरणें तो दिखती है मगर हम पकड़ नहीं सकते, शैडो है, शैडो दिखती है मगर पकड़ नहीं सकते, सो दैट इज द स्थूल सूक्ष्म। और सूक्ष्म स्थूल जो है कि आंखें नहीं देख सकती मगर बाकी जो चार इंद्रिय है वो उसको जान सकते हैं, जैसे कि ध्वनि है, कुछ आवाज आ रहा है इधर से उधर से, तो आंखें तो नहीं देख सकती मगर कान पकड़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ध्वनि है बहुत जोर से तो हमारी बॉडी भी पकड़ सकते कि वाइब्रेशन हो रहे हैं ध्वनि के कारण वगैरह। तो दैट इज द सूक्ष्म स्थूल। और सूक्ष्म जो है कि जैसे हमने वर्गना अभी ये डिस्कस की थी, तो वो वर्गना जो है दैट इज ए सूक्ष्म। और सूक्ष्म सूक्ष्म जो है कि जैसे परमाणु है जो हम देख भी नहीं सकते हैं,
और उसको केवल यू नो वी नीड हमारे इंद्रिया उसे नहीं जान सकती है. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सूक्ष्म टू स्थूल. नाउ एनी क्वेश्चन ऑन दिस? हाँ बिल्कुल, एक्सेप्ट द सूक्ष्म. सूक्ष्म कैन बी सूक्ष्म, सूक्ष्म कैन बी परमाणु. एक इसमें प्रश्न आता है. हाँ प्रश्न ये है, जैसे आपने वर्गणा बोला ना वर्ड वर्गणा, हाँ तो जो काल द्रव्य की बात हुई थी, जो इस जो हमारे बुक है बाल विकास, उसमें भी एक वर्ड है वर्तना. हाँ वर्तना इज डिफरेंट. हाँ ओके, हाँ तो वो उसको क्लेरिफाई कर दीजिए क्योंकि वो बुक में आया हुआ है वर्तना. हाँ बिल्कुल, तो वर्तना मैं आपको बता देता हूँ. तो वर्गणा और वर्तना दो एकदम डिफरेंट है. ओके, तो वर्गणा इज बिकॉज ऑफ द कर्म पुद्गल. ओके, और कर्म पुद्गल जब वो एक को परमाणु से नहीं मगर स्कंध, जैसे आपने करेक्टली कहा, वो स्कंध बनकर वो फिर वर्गना आते. और जो वर्तना शब्द जो है, वो वर्तना शब्द जो है वो काल द्रव्य से रिलेटेड है. तो काल द्रव्य के जो हम पर उपकार है उसमें वर्तना एक होता है. तो वर्तना का मतलब केवल इतना ही होता है कि उसके कारण जो बदलाव आने वाला है वो वर्तना के कारण आ जाता है. तो प्रॉपर्टी काल द्रव्य की एक जो वर्तना है, दिस इज दैट इज निमित्त है कि जो बदलाव आने के लिए वो उसी के कारण आता है. सो दैट क्वालिटी इज कॉल्ड वर्तना. jainworld.com 25 years of service to Jainism.